चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, तो आज अपन करने वाले हैं एक छोटा सा रिव्यू एक हेडफोन का, जो कि मैंने मंगाया है डीमार्ट से। मतलब मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया था, डीमार्ट गया था लेने, तो मेरे को दिख गए थे, तो मेरे को पसंद आए थे। तो अपन इसका एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं, और मैं आपको बता, इस ब्रांड में ऐसे ईयरफोन मिलना मुश्किल है बहुत। तो आइए इसका करते एक छोटा सा रिव्यू, आप ईयरफोन देख सकते हैं। चलो अब बढ़ते रिव्यू के लिए। तो ये आ गए अपने हेडफोन, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेजिंग है 300 रुपीज़ की है, 300 रुपीज़ के, और ये सिर्फ डीमार्ट में ही अवेलेबल है। तो आप जाके देखना, आपके आसपास अगर डीमार्ट कोई हो तो वहाँ पे जाके देखना, ये एयरफोन आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। मैंने अपने बुरहानपुर से लिए ये वाले एयरफोन, तो काफ़ी अच्छे है। मतलब 300 रुपये में आप क्या ही लोगे। अब तो इसको अनबॉक्स करते हैं अपन, और यहाँ पे हर जगह डिवाइस के बेजिंग है। यहाँ पे डी वॉइस, यहाँ पे भी डी वॉइस, यहाँ पे LTE पावरफुल बेस, और इसके अंदर दो कलर अवेलेबल है, एक ब्लैक है एक रेड है, और अपना रेड वाला है। यहाँ पे भी डी वॉइस की बेजिंग है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे अपन चलते हैं अनबॉक्सिंग के लिए। तो ये आ गए ईयरफोन्स, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे दिखने में ईयरफोन्स, काफ़ी अच्छे है लुक वाइज तो। और इसके अंदर दो कुशन्स है जो कि कंफर्टेबल है। ज़्यादा टाइम अगर सॉन्ग सुन लिए तो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है, क्योंकि मैंने ट्राई करा है। इसके अंदर फीचर्स तो कुछ भी नहीं है, बस ये देखो अपने अपने ईयर के हिसाब से, अपने अपने हेड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आप सोचोगे कि ये ब्लूटूथ है, पर ये ब्लूटूथ नहीं है, यहाँ से ऑक्स केबल लगती है। तो ये देखो, और ये फीचर्स मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये बड़े बड़े ईयरफोन में भी नहीं होते, पर इस वाले ईयरफोन में है। तो मैं आपको ऑक्स केबल बताता हूँ। अरे यार, वो बॉक्स तो मैंने ही फेंक दिया, ऑक्स केबल निकालता हूँ उसके अंदर से, मेरे को पता ही नहीं था। ये रहा बॉक्स, और इसके अंदर देखो ऑक्स केबल है, निकालता हूँ। ये रही ऑक्स केबल, काफ़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, आप देख सकते हैं। ये देखो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी। और ये डालते हैं इसके अंदर, यहाँ पे लग जाती है ये, और ये यहाँ पे लग जाती है, ये यहाँ पे लग चुकी है, और ये लगती है अपने फ़ोन के अंदर। देखते अपन ट्राई करके कि कैसा है म्यूज़िक, कितना बेस है और कितना क्लियरिटी है म्यूज़िक में। तो आइए ट्राई करते हैं। और इसकी जो क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक है, इतनी अच्छी भी नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक है। और यहाँ पे भी ये कुशन से बढ़िया, जैसे कि आपको मैंने बताया। तो अभी मैं सॉन्ग सुनने के लिए रेडी हूँ, इसके अंदर सॉन्ग सुनता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसा क्या हिसाब है इसका। और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब आपको एकदम दर्द नहीं होगा ईयर के अंदर, तो कंफर्टेबल है। तो अभी मैं सॉन्ग सुनता हूँ इसके अंदर। रिव्यू में तो अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रिव्यू में, और अच्छे टॉयज के साथ।